नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ ही वो सब गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो इस यात्रा के दौरान धांधली करने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड में टिहरी पुलिस के हाथ एक ऐसा ही गिरोह लगा है जो चार धाम यात्रा की आड़ में नकली नोट की खेप चलाने की फिराक में था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में टिहरी पुलिस के हत्थे नकली नोट चलाने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह चढ़ा है। पुलिस ने नकली नोटों के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पकड़े गए सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और चार धाम यात्रा का फायदा उठाकर नकली नोटों की बड़ी खेप चलाने की फिराक में थे। दरअसल टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जनपद भर में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देवप्रयाग पुलिस को खास मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट लेकर खरीदारी कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवप्रयाग ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान देवप्रयाग तहसील चौक पर कुछ व्यक्ति पुलिस की चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिस ने उन लोगों के वाहन को रोकते हुए तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 200 रुपए के चार जाली नोट भी बरामद हुए। पुलिस ने कार सवार चारों लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सभी को कोतवाली लाया गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं और जाली नोटों को प्रिंट करते हैं और अलग अलग शहरों में जाकर दुकानों पर असली नोट बताकर खरीदारी करते हैं। इसी के साथ ही आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि चार धाम यात्रा में नोटों की बड़ी खेप चलाने की योजना बनाई गई थी। चार धाम मार्ग का जायजा लेने के लिए ये लोग रुद्रप्रयाग तक गए और लौटते वक्त कई दुकानों पर नकली नोट भी चलाए। पुलिस पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर भी नियुक्त है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही जहां जहां ये जाली नोट चलाए गए हैं उनसे भी जानकारियां ले रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।